इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर वह कन्या ने वर्ष भर प्रति मायके में कोई न था, वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुख तारते थे तीज त्योहारों पर भी, जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुए के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि